दुबई में मेरा शूट है, अगर शमी जी बोलेंगे कल्याण जी यस मैं करेंगे तो शमी यार मेरे को तो मैं यस तो कर खुद दो। एक्साइट हूँ यार, मैं तो खुद शमी मेरे साथ काम करे, क्योंकि ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, इतनी बड़ी मॉडल्स है, बिग बॉस में आई है, और मुझे तो अच्छा लगेगा भाई भाई शमी मेरे साथ करे, क्योंकि बेसिकली इस गाने का वीडियो हम दुबई में कर रहे हैं, तो शमी आ रही है दुबई, तो मैं तो वेलकम करेंगे शमी का आप इसमें करें इस गाने में, क्योंकि ये गाना बहुत हिट होने वाला है, क्योंकि इसके अल्फाज बहुत अच्छे हैं दादा, आपने बहुत अच्छा इन्हें बनाना है। आई एम श्योर गाना बहुत अच्छा है, मैंने वो सुना है और आप गा भी बहुत अच्छा थैंक है। यू थैंक यू। तेरी आंखों का अंदाज कहता है ये लड़की तो तुझ पे है मरता है, ये लड़का तो तुझ पे है मरता है, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा। मैडम भी थोड़ा सा एक लाइन सुनाएंगे, और आली साहब आज नहीं आए, उनके सुपुत्र आए हैं, तो वो भी आपके सामने आएंगे। आली खान साहब मेरे बहुत अच्छे मेरे बड़े भाई हैं, मेरा पहला फिल्म में उन्होंने जो दिया उनके हाथ में, फैज़ भाई के पापा जी हैं, अली खान साहब हैं और फैज़ भाई यहाँ पर आए हैं, तो अली खान साहब जो मैं बोल दूँ, मैं पहला फिल्म इसी ऐसे ही मस्ती मस्ती में मैंने पहला फिल्म शुरू कर दिया था, ढूंढ लेंगे मंजिलम, जिसकी रिलीज़ उन्होंने किया था, मतलब कौन सा किया था आपने, ऑल राइट्स हमने उसके ओवरसीज में उस फिल्म को ओवरसीज सर ने किया। किया था, तो ऐसे ही मैंने मस्ती मस्ती में फिल्म को शुरू कर दिया, तो काफ़ी लोगों ने बोला मैं पैसा लगा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कोई नहीं लगा, तो मैंने अपने खुद की पैसे से अपनी फिल्म को रिलीज़ किया और बनाया मैंने, जिसमें रजा मुराद साहब थे, अली खान साहब थे, बिरबल थे साहब, अभी बिरबल साहब अभी नहीं रहे हमारे बीच, और काफ़ी सारे स्टार अली खान साहब थे और काफ़ी सारे और भी स्टार थे, तो अली खान साहब ने बोला कल्याण जी मैं सिर्फ मैं जो भी देंगे मैं ले लेंगे, तो अली खान साहब आज कुछ काम में है, बिजी है, लेकिन आज़ाद अहमद साहब फयाज जी है हमारे पास साथ, फयाज जी यहाँ पर है। हाँ यस 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 आप थे, और मेरे बीच में बी एन तिवारी साहब आए हैं। कल्याण जी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, छुपा रुस्तम। थैंक यू। मैं आपके साथ सबसे पहले बोल दूं, मेरे साथ Hello. मेरी बहन मुझे हर वक्त सपोर्ट करते हैं, जब भी जहाँ भी मैंने बुलाया मेरे अवॉर्ड शो में कभी मना नहीं किया, चाहे दुबई हो चाहे मुंबई हो, एक एक्ट्रेस एक सोशल वर्कर, इनको जो भी मदद करते हैं ये कभी कभी बोलते नहीं कभी किसी को, सिर्फ खाली मैं जानता हूँ, ये बिना बोल के लोगों को बहुत ये मदद करती है, और लोग मदद करने के बाद लोग सामने से बोलते हैं, मीडिया बुलाता है, लेकिन मेरी बहन जो है ये छुपके से जिनको चाहिए उनको मदद करके आ जाती है, बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ साथ में एक नारी सब पे भारी है, इनका लाइन में दिया एक नारी सब पे भारी, तो मेरे साथ में बहन मेरे दुबई है, मेरे साथ 40 स्टार है, मतलब टीवी के हैं, फिल्म के हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, कॉमेडियन, और चार प्रदेश के चार कैबिनेट मिनिस्टर हैं मेरे टूरिज्म के, बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, चार एमपी है दिल्ली पार्लियामेंट, और दुबई के काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रॉयल फैमिली के शेख हैं साहब, शेख हैं, और साथ में हमारे जो बादशाह है दुबई के, उनके जो कजिन सिस्टर है शेख मोजा, वो हमारे चीफ गेस्ट है शेखा मोजा, और उसके अलावा काफ़ी सारे और भी हैं, मेरी बहन भी आ रही है, अभी आप लोग पूछो मेरी बहन को क्या कहेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प है। मैं सुनना चाहूंगी आपका गाना। तेरी आंखों का अंदाज कहता है मैं तो तुझ पे मरता है, एक बहुत ही अच्छा गाना है, मैं पूरा नहीं गा सकता हूँ, तो रोमांटिक सॉन्ग है, और इसका शूटिंग मैं दुबई में कर रहा हूँ। बेसिकली मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं बाथरूम सिंगर हूँ, लेकिन आज़ाद अहमद साहब ने बोला कल्याण जी आप गा सकते हो, बिल्कुल गा सकते, तो इसलिए मैंने आज से एक गाना मैं कभी भी मैं
अवार्ड शो में गाता हूँ, कोई ना कुछ लोगों के लिए गाता हूँ, तो आज मैं गाना गा रहा हूँ। तो मैंने दी बहन, मैंने ये बोला जो कोई भी मुझे गाना गवाएंगे, पहला गाना मैं गाएंगे 1 रुपये में, सिर्फ मुझे 1 रुपये दीजिए और मैं गाना गाने को तैयार हूँ। आप बहन को पूछ सकते हैं, दुबई में बहन आ रही है। देखिए मैंने कल्याण जी से मुलाकात करके ये जाना है कि इंडस्ट्री में पैसे तो हर कोई कमाता है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन यहाँ पर रिश्ते कमाना ये बहुत बड़ी बात है, और कल्याण जी ने रिश्ते कमाए हैं, और मैं चाह रही हूँ कि मैं भी इनके नक्शे कदम पर चलकर इंडस्ट्री में रिश्ते कमाऊँ। आज इनके बुलाने पर कई लोग आ जाते हैं इन्हें सपोर्ट करने, केवल और केवल इनके प्यार के बल पर। इतना प्यार करते हैं ये आर्टिस्ट से, लोगों से, कलाकारों से, कि जब ये कॉल करके बोलते हैं कि देखिए मेरा इवेंट है आपको आना पड़ेगा, तो हम हमारे सारे कमिटमेंट्स दरकिनार करके चले आते हैं इनके लिए। तो ये ताकत है प्यार का। फिल्म में आदिल गए हैं, अमोली पोजिशन क्या कहेंगे, आप सपोर्ट कर रही हैं उनको, क्या जी? देखिए मैंने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखते हुए राखी को बहन माना, आदिल को भाई माना, और इन दोनों से मेरी ये गुजारिश है कि ये अपनी लड़ाई कानूनी दायरे में लड़ें। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं और जलील, घटिया और अश्लील बातें एक दूसरे के बारे में कहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये सब बंद हो जाए, क्योंकि इससे माहौल ख़राब होता है, और हम चाह रहे हैं कि जो कुछ भी इनकी रंजिशें हैं एक दूसरे को लेकर, ये कानूनी दायरे में उन तमाम बातों को सुलझाएं। और जब जब आदिल भाई का कॉल आता है, मैं उनसे यही कहती हूँ कि भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं चाहती हूँ कि उनको इंसाफ मिले। देखिए ये साथ कैसा, कभी आप राखी जी के वहाँ जाती हो, कभी वहाँ की बातचीत करते हो? मैं दोनों से कहती हूँ, देखिए दोनों को मैंने भाई और बहन माना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी का विरोध करना पड़ेगा और दोनों में से किसी एक का पक्ष लेना होगा। नहीं, मैं दोनों से कहती हूँ कि आप दोनों तरक्की करो, आप दोनों कामयाब हो जिंदगी में, और आप दोनों को अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलें। देखिए हाल ही में जब आदिल को मैंने सपोर्ट किया, तो राखी मुझसे खफा हो गई, उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तुम तो मेरी बहन हो। तो राखी से मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखते हुए मैंने उनको बहन माना, उसी तरह आदिल को भी भाई माना। हाल ही में मैंने उनको राखी बांधी थी, वो कोई ड्रामा नहीं था, वो कोई अभिनय नहीं था, दिल से मैंने उनको बहन भाई माना, और दिल से मैं उनकी बहन बनी। तो आज मैं उन दोनों से ये गुजारिश करती हूँ कि ये जो कुछ भी आपके बीच में है, जो तनाव है, इसको आप कानूनी दायरे में सुलझाने की कोशिश करें, बजाय कि आप मीडिया के सामने आकर या सोशल मीडिया पर जाकर एक दूसरे की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएं। इससे अच्छा ये है कि आप अपने वकील के साथ नज़दीकी पुलिस चौकी पर जाकर शिकायत दर्ज करें और कोर्ट में आप अपनी लड़ाई लड़ें। कोर्ट आपको बुलाया गया, किसका पक्ष लेंगे आप, राखी का या दिल का? कोर्ट में मुझे क्यों बुलाया जाएगा? बात ऐसी नहीं, एक्चुअली उन दोनों के बीच में जो लेन देन हुआ वो कभी मेरी मौजूदगी में नहीं हुआ, तो मैं कोई गवाह बन ही नहीं सकती हूँ। हाँ, इतना मैं जानती हूँ कि आदिल जो है वो एक सच्चे दिल वाले हैं, और कैमरा पर वही बोलते हैं जो उनके दिल में होता है। वो दिल में कुछ, ज़ुबान पर कुछ और रखने वालों में से नहीं है, और मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि आदिल भाई खूब तरक्की करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलें, और भाई आप अपने इवेंट्स में प्लीज़ मेरे भाई को बुलाइएगा, आप तो बुलाते रहते हैं। नहीं, आदिल वहाँ गए हैं, हाँ, मैंने 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 बीन तिवारी जी, अब रुकिए रुकिए गुरु जी, तो मैं इनके मैंने उनको बुलाया था, लेकिन वो अभी चौकी में है, और मैं यहाँ से ख़त्म करके मैं गाना गा के मैं चौकी जा रहा हूँ। मैं देखिए तो मेरा भी आपके साथ चलेंगे। हाँ, तो बहन ने सही बोला, जो देखो
बहन ने बहुत बड़ी बात बोला है, ये आप लोगों को दिखाना चाहिए अलग से। बहन ने ये बोला है जो भाई ये जो चल रहा है ना, ये कानूनी के डेरा में चले, क्योंकि क्या होता है मालूम है, एक सोशल मीडिया में वो डाल रहा है वीडियो, ये डाल रहा है वीडियो, उसमें क्या हो रहा है, आजकल के जो जो जनरेशन है, जो आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो खत्म हो रहा है ना। बिल्कुल। अभी देखिए आपने आदिल भाई का आपने वीडियो लिया तो वो कपड़ा नहीं पहना हुआ है बिल्कुल, और उसको आप डाल रहे हो आप सोशल मीडिया में, तो एक बहुत बड़ा बदनामी है यार, गलत है ये, गलत है। तो कल किसका कोई भी करेगा, बिल्कुल कल कोई भी करे, कल मेरा भी कोई वीडियो ले लेगा प्यार से, अगर कुछ हो गया तो मैं डाल देगा भाई ये वीडियो। तो ये बहुत बड़ा गलत चीज है, इसको हर चीज को सोशल मीडिया में लेके आना, हर चीज को जस्टिस के लिए अपना खुद अपना जस्टिस खुद बना रहे हो, तो पुलिस क्या देगा, कोर्ट क्या देगा? तो अगर खुद को जस्टिस करना है सोशल मीडिया में वो डाल के, तो पुलिस के पास मत जाओ, कोर्ट के पास मत जाओ, अगर आपके उसके पास भी विश्वास करो, और जो भी आपके पास एविडेंस है वो पुलिस को सपो, खाली ऐसा नहीं है डाल दिया दो मिनट के लिए सोशल मीडिया में। अरे सोशल मीडिया में वो डालते हैं जिसको खुद को नाम करना है, पब्लिसिटी करना है। तो प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं राखी से मैं बोलता हूँ, आदिल से बोलता, आदिल तो ऐसा नहीं किया अभी तक, अभी तक आदिल ने एक भी वीडियो डाला नहीं है। मैं राखी को बोलता हूँ, देखो रिश्ता वो मेरी बहन है, उसने मेरे बारे में गलत बोला तो उसके ऊपर मैंने खिलाफ बोला, किसी कोई ना कोई ब्रांड को खराब नहीं करेगा, आज आप लोग का ब्रांड है तो उस ब्रांड को कोई कोई ना कोई खराब करता है, आप खिलाफ जाओगे। बहन है, बहन बोला मैंने इनको, एक रिश्ता है उनको, मैंने बहन बोला रिश्ता, अब हिंदुस्तानी है, हम सब पहले रिश्ता देखते हैं। हाँ, हालांकि मैंने इनको ये बोला जो राखी जी को कभी जिंदगी में मैं अपनी अवार्ड शो में नहीं बुलाएगा, इसलिए क्योंकि उसने मेरे अवार्ड शो के बारे में गलत बोला। मेरी बहन ने, ये बहन ने मुझे कुछ नहीं बोला मेरे बारे में, मेरे अवार्ड शो के बारे में, क्योंकि इनसे पैसा लिया ही नहीं है मैंने, तो इनको तो जिंदगी में मैंने बुलाएगा। लेकिन कभी राखी जी कभी सामने आ गया तो उसको मैं खाना खाएगा, उसके साथ पानी पिएगा, चाय पिएगा, लेकिन उनको मेरे अवार्ड शो में नहीं बुलाया, क्योंकि उसने मेरे अवार्ड शो के बारे में अपमान किया, और अपमान खाली मेरे को नहीं किया, दादा साहब फाल्के जो मैं एनजीओ है मेरा, ये बॉलीवुड के जन्मदाता, उनके खिलाफ बोला उसने, मेरे को नहीं बोला, इनको बोला। तो ये मेरा एनजीओ है, लीगल फॉर्म है मेरा, लीगल एनजीओ है। तो जो भी है, बहन ने बहुत सही बोला है, प्लीज 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 गंदा वीडियो, जो भी कपड़ा नहीं है बदन में वो आप डाल देती हो, आप प्लीज मत डालो राखी मेरी बहन, कि जिसमें देखो आज तो FIR भी हो रहा है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जिंदगी भर वो वीडियो रहेगा, रहेगा। कितना लोगों ने वायरल कर दिया उसको, तो वो तो आप नहीं निकल सकते हो ना जी। और आदिल को जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आदिल 6 महीना जेल में था, उसने अपनी ईद नहीं बनाया अपने पेरेंट्स के साथ, तो आदिल को जस्टिस मिलेगा। आदिल के साथ हूँ मैं, हाँ राखी के साथ मैं एज ए बहन के तौर पर हूँ, लेकिन अगर बोला काम के तौर पर, भाई मैं नहीं हूँ, मैं मैडम मेरी बहन के साथ हूँ, शैलिन जहाँ बोलेगा मैं वहाँ हूँ, शोमी जहाँ बोलेगा मैं वहाँ हूँ, राखी जहाँ बोलेगा मैं वहाँ नहीं हूँ। एक बात मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ, हाल ही में मैंने राजश्री को कॉल किया था बप्पा के दर्शन के लिए, तो जब राखी को ये बात पता चली, तुरंत राखी ने कॉल किया, कहा शैलिन तूने ऐसे कैसे राजश्री को न्योता भेजा बप्पा के दर्शन के लिए, तूने तो कहा था कि मैं तेरी बहन हूँ। मैंने बोला राखी मैं आज भी कहती हूँ कि तू मेरी बहन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजश्री को बप्पा के दर्शन के लिए ना बुलाऊँ, ये गलत है। तो भगवान सबका है, बिल्कुल वो ये उम्मीद रखती है कि हम दूसरों को अपना दोस्त ना माने, दूसरों को अपनी बहन ना माने, अपना भाई ना माने, क्यों? क्योंकि हमने उसको अपनी बहन माना है या उसको अपना दोस्त माना है, ये गलत है, रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते हैं। तो मैंने राखी को बोला कि राखी मत भूलो कि तुम वही लड़की हो जिसने मुझको वैश्या बोला, मत भूलो कि तुम वही लड़की हो जिसने मीडिया को बुला बुला कर मेरे वस्त्रहीन और आपत्तिजनक वीडियोज और फोटोज दिखाए, मत भूलो, ठीक है, बावजूद इसके तुमको मैं बहन मान रही हूँ, क्यों? इंसानियत के नाते, इंसानियत के तौर पर। और तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो तुम? तुम जज्बातों की कदर ना करके, हाँ रिश्तों की अहमियत ना करके तुम हम सबका मजाक बना रही हो, मत करो ऐसा। तो तब वो चिढ़ गई फोन पर। मैंने बोला कि देखो मुझे जरा भी एक पैसे का भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने राजश्री को कॉल किया बप्पा के दर्शन के लिए, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात ही नहीं है। अरे
तुम्हारी वो दोस्त अब नहीं रही, तुमको दिक्कत हो रही है, ये तुम्हारी समस्या है, तुम झेलो अपनी समस्या से। हाँ, और रही बात रिश्ते निभाने की, तो तुम मेरी बहन हो, मैं तुमको मानती हूँ अपना बहन, लेकिन अगर तुम कहो कि बहन के नाते मैं तुम्हारे खिलाफ कोई केस ना करूँ, बहन के नाते मैं अपनी इज्जत की रक्षा ना करूँ, ये गलत है। तुमने भी तो मुझे बहन माना था ना, क्या किया, बहन मानकर वैश्या बोला ना, आपत्तिजनक फोटोज दिखाए ना। मैं बहन बोल रहा हूँ उनके बारे में, गलत बोलेगा तो क्या है, कोई इंसान है क्या, कोई बात है क्या, हिंदुस्तानी है हम हिंदुस्तानी है, हम रिश्ता को मानते हैं। आज मैं दिल से इनको बहन मानता हूँ, कल मैं गलत करेगा इनके लिए तो क्या बोले, कल्याण जी क्या दिखावा आदमी यार, सबके सामने बहन बोलते हैं बाद में ये बोलता है, तो ये नहीं होना चाहिए, रिश्ता नहीं खराब होना चाहिए। तो मैंने वही बोला उनको कि देखो रही बात केस की, तो मेरे जीते जी मैं वो केस वापस नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि वो केस मैंने किया क्यों, अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए। आज तुम मेरे खिलाफ ये गंदे आरोप लगा रही हो, इल्जाम लगा रही हो, कल तुमको देखकर और 10 लोग खड़े हो जाएंगे। तो मैं ऐसे ही अपनी इज्जत को नीलाम होते हुए देखती रहूं, कुछ ना करूं, जो सुबह शाम तुमको बहन बहन बोलती रहूं? नहीं, तुम जब मुझे बहन बोलोगी मैं तुम्हें बहन बोलूंगी, तुम जब मुझे वैश्या बोलोगी मैं पुलिस के पास जाऊंगी तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराने। ये मेरा संवैधानिक हक है और कोई मुझसे मेरा संवैधानिक हक छीन नहीं सकता। तो उसको मैंने समझाया कि देखो ये बहन बहन का नाटक करना बंद करो, दिल में दिल से अगर तुम मुझे वैश्या मानती हो तो मुंह जुबान से बहन मत बोलो, और अगर दिल से बहन मानती हो तो फिर जुबान पर भी वो मिठास लेकर आओ। देखो मैं दुबई के बाद में US कर रहा हूँ दास फल के नेक्स्ट ईयर, तो शलिन है, शोमी भी है मेरे साथ, राखी नहीं रहेगा। मैं क्योंकि मैंने क्या बोला, खाना साथ में खा लेंगे होटल पे, इस शो में नहीं। मैं एक गरीब इंसान हूँ, गरीब बच्चा हूँ, गरीब लड़का हूँ, जानते हैं बहन ने देखा, ये आए थे शो में कैसे कैसे करके मैंने सबको टिकट दिया, कैसे कैसे करके मैंने दिल से इतना बड़ा है। तो मैं अभी 28 को 40 स्टार है, पिछले साल 20 स्टार थे, अभी 40 स्टार में बढ़ते जाएगा मेरा। अभी दुबई है, कल मैं US कर रहा हूँ, कल मैं हर स्टेट को, मैं अपने दादा साहेब फाल्के जी को मैं लेके जा रहा हूँ, नॉट फॉर माई शो, दादा साहेब फाल्के पूरी इंडस्ट्री का जन्मदाता है, भगवान है, मैं उनको लेके जा रहा हूँ सब जगह पे। कल्याण जी नहीं जा रहा है, जिनको कोई नहीं किया आज तक। आज अंकिता लोखंडे ने बोला कल्याण जी दुबई में बड़े बड़े शो होता है, लेकिन दादा साहेब फाल्के जी को पहली बार तुम लेके आए, तुम्हारी टीम लेके आए। गौहर खान ने बोली, मैं गौहर खान के साथ में गलत हुआ, राखी ने उसका स्टिकर निकाल के वो फेंक दिया था, तो गौहर खान आज मेरे फोन नहीं उठा रहे, मेरे शो में नहीं आ रहा है। तो राखी ने कुछ बहुत गलत किया मेरे शो में, तो वो मैं बोलेगा, बाकी एज ए ब्रदर वो मेरी भाई, मैं उसका भाई हूँ, वो मेरी बहन है, रिश्ता जिंदगी भर रहेगा। लेकिन अगर शो का है, उसने बोला 2 लाख में मैं अवार्ड बेचता हूँ, आदिल ये बेचता है, वो सब गलत है, बेबुनियाद। हाँ, तो गलत तो गलत है। अभी इनको बोले थे तो तुमको मैं लेके गया, क्या ये नाम का मताज है क्या, ये लड़की का नाम का मताज है, इतना काम कर चुके हैं, इतना नाम है। वो आदिल बोलता, राखी बोलता है मैंने बोला बोल के तुमने सलीन को तुम लेके गया। अरे सलीन, और अरे मेरी अंकिता जो है इनके पास हाथ में डांस के वो कर चुके हैं। अरे इतनी बड़े बड़े गाना, इतनी बड़ी बड़ी फिल्म, कोई नाम का मोहताज नहीं मेरी बहन, तो उसको मैं लेके गया था, और इस बार भी मैं लेके गया। इसलिए राखी को मैं बोल रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ कि इस बार भी मैं सामने से फोन किया जी। मैं लेके जा रहा हूँ, और US भी मैं लेके जा रहा हूँ। And thank you so much, Sameer, कुछ बोलना है? Thank you, please. Show me. मैंने इतना कुछ सुन लिया। मैं कब इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। नहीं, एक बार किसी को भाई बोला या बहन बोला तो उसमें निभाना चाहिए। और अगर समझो आप झूठे वो किसी को बहन बोल रहे हो तो फिर आप मत बोलो ना, उसकी जरूरत नहीं है। तो मानो या मत मानो, या तो दिल से बोलो बहन या मत बोलो। नहीं, दिल से आप वैश्या बोल रहे हैं, जुबान से आप बहन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है इसको बहन बोलने से हो सकता है कि आगे चलकर केस वापस लेगी, FIR वापस लेगी। मत करो ऐसा। आज मैंने अंबोली पुलिस चौकी पर कॉल किया, आदिल के पास ना जाए, मेरे पास रहे। जी भाई, मैंने आज अंबोली पुलिस चौकी पर कॉल करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कहा, सर
एफआईआर दर्ज करके लगभग एक साल होने को आ रहा है। 8 नवंबर 2022 के दिन एफआईआर दर्ज हुई थी। चार्जशीट आप कब फाइल करने वाले हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि अगर चार्जशीट फाइल होती है तो ये मैटर कोर्ट में जाएगा, वहाँ पर कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होगी, ट्रायल शुरू होगा। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप प्लीज़ कानूनी प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करें। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मुझे आश्वासन दिया कि मिस चोपड़ा अगले हफ्ते आपका काम हो जाएगा। एक्चुअली गणेश चतुर्थी के वजह से थोड़ी सी देरी हो गई थी, लेकिन आपका काम बगैर किसी डिले के, बगैर किसी रुकावट के अगले हफ्ते हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द चार्जशीट फाइल हो जाए ताकि ये मैटर कोर्ट में जाए। मैं और शर्लिन के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मतलब मैंने इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में डिटेल में नहीं देखा है कुछ भी और नहीं जानती हूँ, बट द वे शी स्पीक्स, अपनी बात रखना, तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बहुत ही समझदारी से अपनी बात रखती हैं, बहुत अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करती हैं, विच इज़ वेरी ग्रेसफुल, एंड आई रियली होप आप जिस रास्ते में जा रही हैं उसमें आपको पूरा मुकाम हासिल हो। थैंक यू सो मच। देखिए, हम जब दिल से बात करते हैं ना तो वो बात दिल तक पहुँचती है। तो थैंक यू सो मच, आप इतनी सुंदर हैं और मुझे लगता है दिल से भी आप बहुत सुंदर हैं। और थैंक यू भाई जो आपने इस खूबसूरत से मेरी मुलाकात की। मैं बताऊँ, सुमी वो लड़की है बहन, मैं आपको बताऊँ, सुमी वो लड़की है जो दिल से मैं बता रहा हूँ, वो इनको मालूम क्या है भाई, मेरे को साफ सुथरा काम है, साफ सुथरा ये भाई कल्याण जी, मेरे को कोई पे नहीं होने, बोले कुछ नहीं है, तुम आओ। मैं कंट्रोवर्सी और साफ सुथरी चीज़ों को, मैं कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहती हूँ, तो मैं आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, बट ठीक है, जितना भी मैंने अभी देखा और समझा, आई एम श्योर आप बहुत समझदार हैं। बहन जो है ना, इनकी बातों में परफेक्ट बोलता है, पॉइंट है, एंड इतना तो मैं भी समझती हूँ, बिग बॉस किया है, इतनी तो वहाँ तक पहुँची हूँ कि अच्छा। और ये जो लड़की है ना, मैं आपको बोलता हूँ, ये ना दिल का है, दिल की साफ, दिल से बोलते हैं, दिल से बोलता है, ये ऐसा नहीं बड़ा चढ़ा के बोलना या बना के बोलना, वो नहीं है, ये दिल से बोलते हैं।